चलिए फिलहाल सीधा रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की ओर, जहां महंत अवैद्यनाथ की श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मौजूद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विश्व योग दिवस के रूप में मनाई जा रही है। योग हजारों वर्षों की विरासत है, लेकिन योग संस्थान गोरखपीठ में पहले से चलता है, मूलतः योगपीठ है। कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा होगा कैसे कोरोना महामारी के दौरान आयुष काढ़ा, आयुष कवच, आयुर्वेद से जुड़े हुए वे तमाम नुस्खे जो व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की ताकत रखते हैं, रोग से लड़ने की ताकत पैदा करते हैं, इन सभी को दुनिया ने माना है। कौन ऐसा भारतीय परिवार है, मुझे अभी हाल ही में एक सज्जन मिले जो अमेरिका में रहते हैं, मुझसे मिलने के लिए आए थे, अपनी जेब में एक छोटी सी एक ड्रॉप रखे हुए थे। तो जैसे उनके लिए कोई पेय आया, पहले पानी आया तो उन्होंने उसमें दो ड्रॉप डाले। मैंने कहा ये क्या है, उन्होंने कहा तुलसी। तो मैंने कहा क्या अमेरिका से आप लेके आए हैं, उन्होंने कहा हां, ये जब से कोरोना महामारी आई है तब से तुलसी का इतना प्रचलन वहां पर हुआ है कि लोग हरेक उसके साथ इस बात को मान रहे हैं कि तुलसी में इतनी ताकत है कि वह व्यक्ति की रोग से लड़ने की क्षमता को वृद्धि कर सकती है। देखिए तुलसी का पूजन कौन, भारत का सनातन धर्म का ऐसा, यानी हनुमान जी जब लंका में जाते हैं तो वैष्णव कौन है ये पहचानने के लिए वह जब विभीषण के यहां जाता तो वहां तुलसी का पौधा ही देखते हैं। याद करिए हजारों वर्ष पहले भी तुलसी की मान्यता हमारे यहां थी, अलग विषय है कि वेदांति जी ना मानते हो। मैं गया था उनके यहां, उनके यहां तुलसी नहीं देखी मैंने।